बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आशा करती हूँ कि ये गुड मॉर्निंग के विशेष मेरी लाइफ, आपकी लाइफ, हम सबके लाइफ के ना केवल आज की मॉर्निंग बल्कि हर मॉर्निंग को गुड और हैप्पी बनाए। केवल मॉर्निंग ही नहीं बल्कि इट मेक्स आवर होल डे हैप्पी। लेकिन बच्चों के वर्ड्स गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, क्या उन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं जिन्हें इस सोसाइटी में अनटचेबल समझा जाता है? क्या इन वर्ड्स का उनके लाइफ में कोई मतलब है, कोई एग्जिस्टेंस भी है, जिन्हें तो शायद इंसान ही नहीं समझा जाता? बेटा, आपको ये चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझे भी कुछ पढ़ाई करनी पड़ी, थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जिसमें मैंने बेटा आपको बताया कि बहुत सारी चीजों को देखने और पढ़ने की हिम्मत ही मुझ में नहीं थी। मैंने आपको बताया इंडिया अनटच्ड मूवी तो मैंने देख ली, लेकिन लेसर ह्यूमंस जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसका 5 मिनट भी मैं नहीं देख पाई। और यकीन मानो वो 5 मिनट भी जो मैंने देखा वो मैंने अपनी आंखों को थोड़ा सा इधर करके देखा ताकि मुझे पिक्चर्स क्लियरली ना दिखे, बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट सी कि किसी के हाथ में ऐसे एक कंटेनर रखा था और उसमें बस ह्यूमन पॉटी भरा था। मैं बस उस पॉटी के सीन को नहीं देख पाया, आई शिवर्ड। मैंने और भी कई वीडियोस देखे, सत्यमेव जयते में भी बेटा एक पहले आता था सीरियल स्टार प्लस पे, उसमें भी बेटा एक एपिसोड था जिसमें कि अनटचेबिलिटी के इश्यू को जो है वो एड्रेस किया गया था, इसी इश्यू पर जो है डिस्कशन हुआ था, इसी बात को सामने जाहिर किया गया था, ठीक है। यहां तक कि उसमें भी दिखाए हुए कुछ वीडियोस को मैं नहीं देख पाई जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा दिखाया जा रहा था। इतना सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, कोई सॉलिड कोई लिक्विड, बस शायद आप लोग ये सुन रहे होगे तो आप शिवर कर पा रहे हो, कर जा रहे होगे। बेटा, जिस चीज को हम सुनने की हिम्मत नहीं रख पाते, जिस चीज को हम देखने की हिम्मत नहीं रख पाते, दिन रात उसमें सन करके, हाथों से उठा करके उस चीज को किसी को अगर लाइफ जीनी पड़ती है तो इसका मतलब बेटा उसे कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है जीवन जीने का। बच्चों, हमने जो है पिछले कई क्लासेस लाइव कंडक्ट किए जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फेसेट्स को, बहुत सारे कॉजेस को डिस्कस किया कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव टू डू सच काइंड ऑफ जॉब्स। आज जो है सवाल थोड़ा सा उल्टा है। आज आपसे सवाल ये है कि आप सभी जो है थोड़ा सा सोचो, दूसरों से पूछो और ये पता करो कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वुड दे नेवर एवर वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ्स। किस तरह के ऐसे काम हैं जो कि आप, आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले कभी भी अपनी इच्छा से करना नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में, और कारण भी पूछना क्यों नहीं कर पाएंगे। मैंने तो पूछा पिछले क्लास को भी बेटा, मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है, जो क्लास अभी 6th में गया है उस क्लास को भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर बहुत सारे जवाब बच्चों ने दिए थे। कुछ जवाब मैं आपको बताती हूं, आप अपने जवाब भी मुझे बताना। सबसे पहली बात, ठीक है, पहले तो बच्चों ने किया क्या था कि इंटरनेट से कॉपी किया आंसर। तो इंटरनेट पे जो है आप अलग अलग वेबसाइट पे जहां पे भाई सॉल्यूशंस दिए रहते हैं वहां पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि दीज वर्क्स आर नॉट वेरी चैलेंजिंग,
ये जो काम होते हैं ना, ये बहुत चैलेंजिंग नहीं होते हैं, और लोगों को जो है ना सिंपल सिंपल काम करने में मन नहीं लगता है, वो चैलेंजिंग काम करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग करने से उनको लगता है कि दे हैव अचीव्ड समथिंग। सिंपल काम करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, जैसे 10 नंबर ला करके 20 नंबर्स ला करके कोई पूछता ही नहीं भाई, 40 ला करके 40 आउट ऑफ 40 लाओ तो लोग पूछा करते, 100 आउट ऑफ 100 लाओ तो लोग पूछा करते, सीबीएसई में 500 में भाई 490 के ऊपर लाओ सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में तो शायद लोग ज्यादा पूछा करते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं जिनका मार्क्स कम आया है उनको तो पता नहीं, उसके रिजल्ट के बारे में बहुत कम लोग पूछा करते हैं, वो तो कभी न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद सोसाइटी के हिसाब से कोई चैलेंजिंग काम नहीं किया। तो बेटा अभी अभी जो है मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूं, उस वीडियो को देखने के बाद जरा बताना कि आपको क्या लगता है कि ये काम चैलेंजिंग नहीं है। मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा चैलेंजिंग कोई काम ही नहीं है, ऑल्दो इट्स माय पर्सनल व्यू। मैंने तो बोला कि मेरे लिए तो किसी को ऐसे काम करते देखना चैलेंजिंग था, सुनना भी इसके पहले चैलेंजिंग था। तो ये काम जो करता होगा बेटा, ये कितना चैलेंजिंग वर्क है, तो पहले वीडियो देख लो आप लोग। वीडियो जो है बेटा ये काफी वायरल भी हुआ था, रतन टाटा जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स मैंने आपको बताया था ना, जो कि इस तरह से कचड़े को उठाया करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है उनके प्लाइट को, उनके दुर्दशा को उजागर करते हुए ये वीडियो उन्होंने बनाया था। देखिए आप लोग। मेरा पापा देश चलाता है, नहीं है नेता लेकिन देश को वो चलाता है, वो डॉक्टर भी नहीं है लेकिन रोग भगाता है। मेरा बाबा देश चलाता है, वो पुलिस में भी नहीं है लेकिन देश की गंदगी मिटाता है, वो आर्मी में भी नहीं है लेकिन गंदे शैतानों से जंग लड़कर आता है। मेरा बाबा देश चलाता है, नहीं जाएगा मेरा बाबा काम पर तो रुक जाएगा इंडिया का हर घर, ना बनेगा खाना ना होगा नहाना, सड़कों पे मच जाएगी भगदड़, बच्चे स्कूल नहीं पूछेंगे, ना ही डॉक्टर अस्पताल, मंत्री मंत्रालय नहीं पूछेंगे और पूरे देश का हाल हो जाएगा बेहाल। हम सब की जिंदगी को आसान बनाता है। मेरा बाबा वो काम करता है जो देश का कोई भी बाबा करना नहीं चाहता। मेरा बाबा देश चलाता है। क्योंकि देश अपना गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करता। मेरा बाबा कचरा गटर और बीमारियों के अंदर जाता है और बहुत बीमार होकर निकलता है। कभी कभी लगता है मेरा बाबा बीमारी से हार जाएगा, कभी कभी लगता है बाबा लौट के घर नहीं आएगा। मेरे बाबा को बचाओ, इस देश को सिर्फ मेरे बाबा से मत चलवाओ, क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है, क्योंकि देश को देश का हर आदमी चलाता है। Thank you.
बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा कि मैडम ये काम चैलेंजिंग नहीं है. Did you notice the pride in the eyes of that little child when he stood behind the mic to recite the poem about his father? बच्चों, जब वो छोटा सा बच्चा माइक के पीछे खड़ा होता है अपने पापा के काम के बारे में कविता को सुनाने के लिए, तो आपने उसकी आंखों में चमक देखी थी? That was because of pride. उसे गर्व था बेटा उसके पापा के काम पर. वो अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ भी ऐसे सर हिलाती है कि यस चाइल्ड, रिसाइट द पोएम बिफोर एवरीवन. सबके सामने आप इस कविता को बोलो. यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट योर फादर डज. योर फादर डज रन द कंट्री. योर फादर इज डेफिनेटली अ वॉरियर. यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ हिज वर्क. बोलो, कविता बोलो, मेरा पापा देश चलाता है. जानते हो, उसकी उस चमक को देख करके ना मुझे भी ना बेटा थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ. लेकिन जब वो मोमेंट आया व्हेन हिज फादर स्टेप्ड इनटू द गटर एंड ही कलेक्टेड ऑल दैट कचरा विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, जैसे ही वो सारे उस कचरे को इकट्ठा करके ऐसे अपने हाथों में उठाता है ना बेटा, एट दैट टाइम मेरा सारा गर्व खत्म हो गया, सारा गर्व चूर हो गया. आई फेल्ट गिल्टी, आई फेल्ट अशेम्ड, आई फेल्ट एम्बरेस्ड कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन वेयर देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन लाइव्स ऑफ पीपल. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर वी गिविंग, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर पीपल रिसीविंग गेटिंग. That this ill practice that has been here in our country for years, for centuries, could not be removed. इतने सालों से बेटा ये अमानवीय व्यवहार, ये टॉर्चर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और इसे हम लोग मिटा नहीं सके. Then what is the purpose of imparting education and what is the purpose of getting education? What kind of education is this? What kind of society is this? बताओ. We people talk about development, developed cities, developed countries of the world, developed parts of the world where people have access to so many modern gadgets. लोगों के पास इतने अच्छे घर हैं. हम लोग कहते हैं वाह, हमारे कंट्री का वो स्टेट बहुत ही डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पर तो भाई एक्सप्रेस वेज है, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े मॉल्स हैं, मेट्रोज हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं. इज दिस रियली अ डेवलपमेंट? एक डेवलपमेंट है. एक तरफ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करके हमने रखी हैं, दूसरी तरफ गटर में जाकर के किसी को सफाई करनी पड़ती है. इतने मॉडर्न गैजेट्स हैं तो क्यों नहीं भाई सीवर को साफ कर लिया जाता है. आपको पता है बेटा, आप अभी अपने स्क्रीन पे देखिए, ये सारे आर्टिकल्स जो आप न्यूज़पेपर के देख रहे हो, दीज आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द डेथ्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब, द वे इन विच दे आर आस्क्ड टू डू द जॉब. सीवर में ये सैनिटेशन वर्कर्स जाते हैं जहां पर टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रहे होते हैं, और उनको इनहेल करने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है. मैंने खुद जो है कई न्यूज आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मैंने देखा कि किसी के घर का सेप्टिक टैंक साफ करना था, एक लेबरर जो है ये एंटर्ड इनटू इट, और बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट इनसाइड अ टैंक दैट पर्सन डाइड. और उस पर्सन के डेथ के बाद जो है अनदर लेबरर स्टेप्ड इनटू द सेप्टिक टैंक एंड दैट पर्सन आल्सो डाइड. देन द थर्ड वन एंटर्ड स्टेप्ड इनटू द गटर एंड ही फेल अनकॉन्शियस. व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी इज दिस? बताइए.
Court has ordered the abolition of manual scavenging and asked the government to provide financial assistance and rehabilitation to those who have lost family members to the inhuman practice. These are a shocking reminder that despite stringent provisions in the law, manual scavenging continues unabated in India. Manual scavenging is defined as the removal of human excrement from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutters and sewers. The practice is driven by caste, class and income divides. The number of people killed while cleaning sewers and septic tanks has increased over the last few years. 2019 saw the highest number of manual scavenging deaths in the past 5 years. 110 workers were killed while cleaning sewers and septic tanks. This is a 61% increase compared to 2018, which saw 68 cases of such similar deaths. In 2013, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act put an end to the practice of any form of manual cleaning, carrying, disposing, or handling of human waste. But according to a national survey conducted in 18 states, a total of 48,345 manual scavengers have been identified till January 31, 2020. As per data collected in 2018, 29,923 people are engaged in manual scavenging in Uttar Pradesh, making it the highest in any state in India. Despite the introduction of several mechanized systems for sewage cleaning, human intervention in the process still continues. Manual scavengers are provided with some government rehabilitation, such as one-time cash assistance of Rs 40,000, loans up to Rs 15 lakh at concessional rate of interest, and scholarship schemes for their children. But experts feel such one-time measures are not enough. They say that a more community-centric model should be taken, where the entire community is given more opportunities to help them come out of this practice. बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट क्वेश्चन विथ यू बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू फिगर आउट द इश्यूज, टू आइडेंटिफाई द इश्यूज दैट आर देयर इन आवर सोसाइटी, दैट आर देयर इन आवर सिस्टम. मैं चाहती हूँ कि बेटा आप 47 यंग माइंड्स हो, आप जो है सोसाइटी में, सिस्टम में जो इश्यूज है उनको आप आइडेंटिफाई करो, फिगर आउट करो उनके सॉल्यूशंस को. आपके हिसाब से कौन सी चीजें सही चल रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि गलत है, कौन सी चीजें सही नहीं चल रही हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है. आपके हिसाब से व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज योर इमेजिनेशन ऑफ अ डेवलप्ड सोसाइटी, ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री. आपका डेफिनेशन क्या है, आप अपने कंट्री को, आप अपने सोसाइटी को डेवलप्ड कब समझेंगे, किन टर्म्स के बेसिस पे आप अपने सोसाइटी को डेवलप्ड समझेंगे. हो सकता है जो सवाल मेरे मन में आया हो वो आप में से कई बच्चों के मन में आए. ये भी हो सकता है कि इस सवाल के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आए जो कि बेटा इस सोसाइटी को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, इस सोसाइटी को बेहतर बनाने की क्षमता है जिन सवालों में. तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने रिएक्शंस यहां पर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है. तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के काम जो है वो जनरली लोग अपनी इच्छा से कम नहीं करना चाहेंगे कभी भी, और क्या रीजन है कि दे वुड नॉट लाइक टू टेक अप सच काइंड ऑफ जॉब्स और वर्क्स. तो एक तो भैया जो चैलेंजिंग वाला पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा पॉइंट जो कि हम पिछले कई क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज द कास्ट सिस्टम.
that exists in our society, because of which many people belonging to specific groups, जो कि सोचते हैं कि those people belong to so-called upper caste groups, उन्हें लगता है कि ये work they are not meant to do such types of works, ये गंदे काम, ये unhygienic काम, ये बेकार से काम, ये हमारे लिए नहीं है भाई, हम तो अपर सोसाइटी के लोग हैं, हम तो अपर कास्ट के लोग हैं। इस वजह से कई सारे लोग जो है इस तरह के काम को नहीं लेना चाहते हैं। फिर बेटा आप ये देखते हो कि जो इस तरह के काम करते हैं दे आर नॉट गिवन रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, उन्हें कोई रेस्पेक्ट खास नहीं मिलता है सोसाइटी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको अनटचेबल समझा जाता है। तो ऐसा काम जिसको करके किसी को अनटचेबल समझा जाए, किसी को कोई रेस्पेक्ट ना मिले, उस काम को बहुत कम लोग करना चाहेंगे। एक कारण बेटा मुझे ये समझ में आता है दैट वी पीपल लैक द फीलिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। बेटा काम करने में जो डिग्निटी होती है, जो प्राइड की फीलिंग होती है, वो शायद हमारे सोसाइटी में बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि आप कई बार देखे होंगे कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप जो है बहुत रिच हैं तो आप भाई आप अपने से यू कैन डू डोमेस्टिक वर्क। लेट मी साइट एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली। व्हेन माय मदर शी यूज्ड टू क्लीन द हाउस ऑन हर होम, और मैं भी उसकी मदद किया करती थी, माई फादर ऑल्सो यूज टू हेल्प हर। ठीक है, हम सभी जब अपने घर का काम किया करते थे और हमने कोई डोमेस्टिक हेल्प जो है नहीं रखा हुआ था, हमने कोई मेड नहीं रखी हुई थी, तो सम पीपल डिड यूज टू कम टू अस एंड आस्क अस एडवाइज अस कि अरे अपने से काहे ये सब काम करते हैं, ये सब बाई को करने दीजिए ना, बाई को रख लीजिए, ये सब झाड़ू का बर्तन का ये सब काम मत करिए। तो लोगों को क्या लगता है कि मेहनत से जो काम कर रहे हैं और उसमें कोई डिग्निटी नहीं है। अरे भाई अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ कर रहे हैं, व्हाट इज देयर टू बी अशेम्ड ऑफ इट। मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूं, अपने घर में पोछा लगा रही हूं, मैंने गंदगी फैलाई थी, मैं साफ कर रही हूं, तो उसमें अशेम्ड होने की क्या बात है। व्हाई कांट वी बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ्स डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क्स। व्हाई इजंट देयर डिग्निटी इन डूइंग लेबर। काम करने में शर्म कैसी, क्यों? तो एक तो भाई ये कारण हो गया। दूसरा बेटा आप देखे होगे मेरा पापा देश चलाता है, इस कविता को जब वो बच्चा बोल रहा था वो बोलता है कि मुझे हर दिन ये डर रहता है कि पता नहीं मेरा पापा आज सही सलामत घर आएगा कि नहीं। मैं डरता हूं कि कहीं मेरा पापा जो है वो बीमारियों की वजह से मर ना जाए। और मैंने तो आपको बताया भी बेटा, कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको दिखाए, न्यूज के क्लिपिंग्स दिखाए न्यूज़पेपर के, जहां पे आपने देखा कि ऐसे काम को करते हुए इतने लोग मरते हैं। फिर ऐसे काम को कोई क्यों करना चाहेगा, है कि नहीं? एक और बात है, दीज वर्कर्स आर नॉट पेड अ गुड सैलरी। इन्हें जो है इस काम को करने के लिए कोई खास अच्छे पैसे मिलते भी नहीं है। तो जिस काम को करने में भाई कम पैसे मिले उसको भी लोग नहीं करना चाहेंगे। तो बेटा ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होंगे, तो आप थोड़ा सा फिगर आउट करिए। आप बस चलिए आप अपने फैमिली मेंबर से अगर नहीं पूछते हैं, आप अपने आस पड़ोस से नहीं पूछते हैं, रिलेटिव से नहीं पूछते हैं, फ्रेंड से नहीं पूछते हैं, तो बस ये इमेजिन करो कि अगर आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू डू दिस वर्क, तो आप अगर चुनते हैं कि मुझे इस काम को इस तरीके से नहीं करना है, तो क्या रीजन होगा आपका इस काम को करने से इनकार करने का, वही शेयर करो। ठीक, तो क्या आज तक किसी के मन में भी ये बात नहीं आई कि इस इल प्रैक्टिस को दूर किया जाए, इसे दूर करने के लिए कुछ किया जाए? आई, कुछ लोगों के मन में जरूर आई ये बात। न केवल उनके मन में ये बातें आई
बल्कि उन्होंने सच में बहुत सारे एफर्ट्स लिए इस इल प्रैक्टिस को दूर करने के लिए। तो आज हम लोग इन्हीं लोगों के बारे में अपने क्लास में चर्चा करेंगे। बेटा, वन सच पर्सन वॉज द फादर ऑफ द नेशन, द ग्रेट महात्मा गांधी। बच्चों, कहते हैं लोग कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये अनटचेबिलिटी तब दूर होगी जब लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर को, अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। ही वॉन्टेड टू चेंज दिस माइंडसेट ऑफ पीपल कि दिस वर्क ऑफ क्लीनिंग द सोसाइटी, क्लीनिंग थिंग्स इज ओनली फॉर पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ही वॉन्टेड टू चेंज दिस नॉर्म। वो चाहते थे कि हर एक इंसान, चाहे वो अपर कास्ट को बिलोंग करता हो या लोअर कास्ट को बिलोंग करता हो, वो साफ रखना, अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, किसी दूसरे का काम नहीं समझे, और ऐसा करने में उसे शर्मिंदगी भी ना हो। तो बेटा, आप ही के बुक में पेज नंबर 151 पे एक एक्सर्प्ट दिया है, एक पोर्शन दिया है, ठीक है। देखिए, ग्रे कलर का बॉक्स है जिसमें नीचे में लिखा है दैट दिस एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई। बेटा, गुजराती लैंग्वेज में नारायण भाई देसाई जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। उसी बुक में से यहां पर आपको छोटा सा पोर्शन निकाल के दिया है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, रिमेम्बरिंग दोज डेज। ये जो है ना नारायण भाई, ये गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहा करते थे। गांधी जी का आश्रम था ना गुजरात में, साबरमती आश्रम, ये उनके आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है। तो उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने यहां पर लिखा है, व्हेन नारायण, जिसका नाम जो है बाबला था, जैसे मैं विदिशा हूं, मुझे लोग जो है विद्दो भी बुलाते हैं मेरे घर में। तो व्हेन नारायण बाबला वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। जब ये नारायण भाई देसाई जो है 11 साल के थे, तभी वो किसके साथ रह रहे थे, साबरमती आश्रम में, जो कि गुजरात में है, महात्मा गांधी जी के साथ रह रहे थे। एंड लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। मैंने बोला ना, गांधी जी वांटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ऐसा नहीं, मेरे सारे काम मैं करूंगा, मेरा बाबा केवल देश नहीं चलाएगा, सारे लोग मिलकर के देश चलाएंगे, सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लीनलीनेस को, हाइजीन को मेंटेन करना, ठीक है। तो गांधी जी के आश्रम में जो है सारे लोगों को सफाई करनी पड़ती थी, तो दूसरे लोगों की तरह इन नारायण भाई को भी, बाबला को भी, वो सारे काम करने पड़ते थे। One of his jobs was to teach the guests how to clean the toilets. तो इनका काम था, बहुत सारे काम थे ना, उसमें से एक काम था इनका कि साबरमती आश्रम में जो गेस्ट आया करते थे, उनको ये सिखाना कि टॉयलेट कैसे साफ किया जाए। देखो, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो गेस्ट जो आ रहा है वो सोसाइटी के हिसाब से अपर कास्ट को बिलोंग करता है कि लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, जो उस आश्रम में रह रहा है वो अपर कास्ट का है कि लोअर कास्ट का है, कुछ नहीं, सारे लोगों को सारे काम करने थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन दोज डेज, एज आई टोल्ड यू, द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, पीपल सैट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड इट वॉज अ यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल, दे हैड टू डू दिस वर्क। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सारे तो नहीं लेकिन लगभग लगभग सारे घर में यही प्रैक्टिस थी कि ये जो काम है
ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाने का ये सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को ही करना है, ठीक है। लेकिन गांधी जी के आश्रम में सारे लोगों को जो है टॉयलेट के नीचे जो बास्केट रखा रहता था उसे खुद ही उठा करके और उसे एम्प्टी करना पड़ता था। खुद की सफाई खुद से करो। नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क। यहाँ तक कि गेस्ट को भी बख्शा नहीं जाता था। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि अरे भाई मेहमान आया छोड़ो ना, क्या काम कराना, अरे मेहमान को आराम दो, उसकी खातिरदारी करो, ठीक है। लेकिन भाई ये सफाई सुथरा का काम जो था गांधी जी के साबरमती आश्रम में गेस्ट को भी करना पड़ता था। कोई ये बहाना बना करके नहीं बच सकता था कि मैं तो गेस्ट हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों सफाई करूंगा, ठीक है। चलिए, नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। नारायण भाई कहते हैं कि उन्हें याद है कि कैसे कुछ लोग जो है ना वो कोशिश किया करते थे, भरपूर कोशिश किया करते थे कि कुछ कुछ बहाना बना करके इस काम को करने से वो बच जाए, ठीक है। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, और कुछ लोग तो आश्रम ही छोड़ करके भाग गए इस वजह से। सम इयर्स लेटर, कुछ सालों बाद गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। गांधी जी जो है बेटा महाराष्ट्र स्टेट में वर्धा नाम की एक जगह है, वहां पर वो रहने के लिए गए। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी, ठीक है, और उनके साथ साथ जो है उनके दोस्त थे महादेव भाई, और ये नारायण भाई देसाई है ना, ये महादेव भाई के बेटे थे, ठीक है। तो गांधी जी और महादेव भाई उन्होंने वर्धा में जाकर के वहां पे विलेज में टॉयलेट्स क्लीन करने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब भाई ये तो गजब बात कर रहे थे, लोगों को ऐसा लगा कि ये देखो टॉयलेट्स क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स। तुमको क्या लगता है वो क्यों ऐसा कर रहे थे? उन्हें बड़ा मजा आता था क्या दिन रात पॉटी साफ करते रहने में अपना, दूसरों का, इसलिए दूसरे गांव में भी जाकर के पॉटी साफ कर रहे थे? नो, दे वर डूइंग दिस टू ब्रेक द रूल ऑफ द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, कि ये कचरा उठाने का काम केवल एक ग्रुप के लोग ही करेंगे। दे वॉन्टेड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, कि हर लोग की जिम्मेदारी है कि आपको सफाई करनी है, और इसलिए वो लोग जाकर के वहां पे गांव में सफाई करते थे कि इस काम को करने में यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, सफाई करो। इस बात को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए गांधी जी महादेव भाई जो है उन्होंने वहां पे विलेज में टॉयलेट्स क्लीन करना शुरू कर दिया, और ऐसा वो कुछ मंथ्स तक करते रहे। तो एक दिन की बात है कि एक इंसान था वो टॉयलेट यूज करके और बाहर आया, ठीक है। तो वो महादेव भाई को देखते हैं, महादेव भाई क्या कर रहे थे, महादेव भाई जो थे वो टॉयलेट को साफ कर रहे थे। तो वो आदमी महादेव भाई को पॉइंट ऐसे करता है फिंगर को, ठीक है, और उसको कहता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। जैसे कि बाप रे, डर्ट आपने फैलाया, ठीक है, और ये उसका काम है कि वो जाकर के साफ करेगा, और उस पर देखो किस अधिकार से वो बोलता है कि गो एंड क्लीन दैट, वहां पे बहुत गंदगी है, जाओ तुम साफ करो, तुम्हारा काम है वो। तो क्या तुमको पता चल रहा है कि सोसाइटी के लोग जो है जो ऐसा काम किया करते थे उसको रेस्पेक्ट भी नहीं देते थे, ठीक है, और साथ साथ में वो ये समझते थे कि इस तरह के काम कुछ लोग ही करेंगे, ठीक है भाई। तो व्हेन बबला सॉ दिस He became very much infuriated. जब बबला ने देखा कि अरे एक तो मेरे बाबा जो है और ये बाकी लोग जो है आश्रम के लोग, ये लोग यहाँ आकर के सफाई कर रहे हैं, और ये दूसरे लोग जो है खुद तो सफाई करते भी नहीं है, जो दूसरा सफाई कर रहा है उसको इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ठीक है। He thought the villagers felt that this was not their work. उनको समझ में आया कि गांव वालों को लगता था कि ये टट्टी घर के साफ करना जो है ये उनका काम नहीं है, उनका काम है बस टट्टी घर देना, साफ कोई और करेगा, और ये ऐसी समझ की वजह से ही उन्होंने महादेव भाई को ऐसे ऑर्डर किया कि जा साफ कर, वहां पे उतनी गंदगी है, ठीक है।
तो वो जो थे वो गांधी जी के पास गए और उनसे कहते हैं कि ऐसा क्यों गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि बेटा ये छुआछूत की का जो प्रैक्टिस है ना, ये जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है और ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला है। लोगों के दिमाग में सदियों से ये बैठा हुआ है, बिठाया हुआ है। इसको चेंज करने के लिए बेटा लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस टाइप ऑफ वर्क दे वर थॉट टू बी अनटचेबल। ही आस्क्ड कि गांधी जी व्हाट इज द यूज of coming here and cleaning the toilets in this village if the village people do not change their thinking। हम यहाँ पर आकर के इतने महीनों से सफाई किए जा रहे हैं और लोगों पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता, उनकी सोच पर जरा सा भी जो है वो कोई नॉक नहीं होता है। फिर क्यों हम लोग ये काम करें? They have become used to someone else doing this work for them। उन्हें तो इस बात की आदत पड़ चुकी है कि उनका ये काम जो है जो उन्हें करना चाहिए था वो कोई और करके उन्हें दे। तो गांधी जी कहते हैं व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, दे ऑल्सो लर्न अ लेसन। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ इट इज अ क्लीनिंग जॉब। गांधी जी कहते हैं क्यों बंद कर दूं? तुमको क्या लगता है हम लोग ये काम बस इसलिए कर रहे हैं कि इन विलेजर्स का माइंडसेट चेंज हो? क्या जो लोग काम को कर रहे हैं, इस काम को क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, क्या उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है? वो भी तो इस काम को करके कुछ सीख रहे हैं। और जिस काम से आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले उसको कंटिन्यू किया जाए। मैं एक एग्जांपल देती हूं, ठीक है? मैं जो थी खाने में बड़ी चूजी थी, ये खाना है ये नहीं खाना है, मम्मी तुमने कल तो यही सब्जी बनाई थी, फिर जो है 2 ही दिन तो हुए वापस से तुमने ये सब्जी बना दी, मम्मी सुबह भी मीठा खिलाया दोपहर को भी मीठा खिलाया, क्या मम्मी तुम भी चेंज करो ना मेनू, ऐसा करके मैं बहुत नखरे किया करती थी। और जैसे ही जब मेरी दुर्गापुर में पोस्टिंग हुई और मुझे अकेले रहना पड़ा, उसके बाद भाई जब मुझे खाना बनाना पड़ा, उसके बाद से अभी मम्मी आकर के मुझे पूछा भी करती है कि बेटा घर आई हो तुम्हारे मनपसंद का क्या बना दे, हम कहते हैं मम्मी जो बनाना है तुम बना दो, तुम जो बनाती हो ना उसी के लिए भाई आई सल्यूट यू। क्योंकि उतने दिन जो मैंने खाना बनाया तब मुझे समझ में आया कि यस दिस इज समथिंग दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फिर मम्मी जो है वो मेरी बहन के हिसाब से, मेरे हिसाब से, पापा के हिसाब से सबकी पसंद का खाना बनाते रहते हैं और उसके बाद उसे डांट भी पड़ते रहती है मेरे से कि माँ सुबह में मीठा खिलाया अभी भी मीठा खिला रही हो ये क्या है। तो व्हेन आई डिड दैट वर्क इट चेंज्ड मी, तो आई लर्न्ड अ न्यू थिंग। तो वही गांधी जी कहते हैं कि सफाई से जो हम लोग कर रहे हैं उससे केवल विलेजर को फायदा हो इसके लिए सफाई नहीं कर रहे, जो सफाई कर रहा है उसे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। शायद हो सकता है कि उन्हें ये सीखने के लिए मिले कि वाकई में भाई ये बड़ा ही हिम्मत का काम है और ये सही नहीं है कि अपनी पॉटी दूसरे से साफ करवाए। अगर मुझे इसे साफ करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है तो दूसरे लोगों को, इतने सारे दूसरे लोगों की पॉटी साफ करने में कितना हेजिटेशन होगा, तो उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें जो क्लीनर्स थे जो वो सफाई कर रहे थे वो भी तो सीख रहे थे, उनको फायदा तो हो रहा था। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो ना ये फायदा तो हो रहा है तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वर्क, ठीक है। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, छोटा बबला जो था ना उससे मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यूड, फिर से वो बहस करता है, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन दैट प्लेस शुड ऑल्सो लर्न lessons। ये तो बड़ा अच्छा बोल दिए भाई कि ठीक है जो साफ कर रहा है उसे भी तो कुछ सीखने को मिल रहा है, बस हम ही सीखते रहेंगे क्या? जो गंदगी फैलाते हैं उनको भी सीखना चाहिए, हम क्यों सीखते रहे खाली, उन्हें भी सिखाओ, ठीक है। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट व्हेन बबला ग्रीव अप
he always followed the path shown by Gandhi ji. तो उस समय तो वो लोग जो है झगड़ा करते थे, लेकिन जब बबला बड़े हो गए, नारायण भाई जी जब बड़े हो गए, तो उसके बाद जो है he always followed what Gandhi ji said. ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस इल प्रैक्टिस को चेंज करने की कोशिश की, जिनमें से एक के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एंड दैट पर्सन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. उन्होंने भी बेटा अनटचेबिलिटी को इराडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए बहुत एफर्ट किया. ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे.